एक बच्चा है मेरा 3 साल का भाई के मोदी अरे मोदी मोदी और मोदी कांग्रेस और मिलकर गिनती कोनी सोशल लॉ आन है क्योंकि हमें उड़ी जाम ने जब्त वोट पर्दे के वोट है कोई की कौन के कांग्रेस आज जो ना समान सब तो सी पेपर लीक हो लगे तो रोने था के मारा छोरा रोता फिर ना मोदी रो है हर आदमी ज्यादा कर देश आई चवे मोदी अरे मन में पूछो तो राहुल गांधी आसी देश ने लूट राज्य रुपए साल में बढ़ गए करो चुनाव जिन टक्कर देने वास्ते कांग्रेस की तरफ हूं आ सके राहुल गांधी जी आ जाओ हार सी अता दिन तो कांग्रेस ने था अब बीजेपी है कोई अर्जुन राम करवन कोई दूजू करो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करी राजस्थान सरकार रो तो राजस्थान सरकार करी अरे भाई जी मशीन नामी गड़बड़ है वोट कांग्रेस माते वहां जावे बीजेपी माते मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें राम राम सा मैं महादेव और आप सभी स्वागत है झलको बीकानेर पर आप सबने बताओ कि लोकसभा का चुनाव है जगह आ चुका है तब आप भी बाहर चुनावी हथियार करने वास्ते निकल चुके हैं क्योंकि चुनावी चुगलियां भी जरूरी है लोग चाह रहे थड़िया पर चुनाव का चस्का ले रही है तो आज भी लोगों सा के मौजूदा और बस जानकारी ले वाला कि इस बार रोज को चुनाव है वो किरी तरफ ज्यादा रह वेला और अब आज यहाँ पर लोग सागे मौजूदा तो अब वहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर लिया चुनाव आ चुके हैं लोकसभा का पता है लोकसभा का चुनाव कौन सा है अच्छा यहाँ पर हमारे सांसद कौन मोदी यार चुनाव मोदी रो है मोदी जी रो क्या हो गयो ओ मोदी रो ही है सांसद को है मैं तो मोदी ला रहे चाल तो बीजेपी आप रो नाम भी ओपन कर दियो कैंडिडेट रो अर्जुन राम जी मेघवाल में फिर सुन चौथी बार है जी की टिकट मिल चुकी है तो क्या कुछ लाग रही था नबकी बार माहौल एक ही है मोदी सिर्फ मोदी जी रो माहौल है बस अच्छा कांग्रेस में अर्जुन राम जी ने टक्कर देने लायक कोई है मेरे हिसाब को आटा लोकल भी सामू ला सके है बाकी तो मोटा मोटी आटा मोदी रे ला रही चालू है कांग्रेस में के लाग रहे हो किको नाम ओपन हो तो लाग रहे था खजवालों को निकल ही अच्छा कई लोग यहाँ भी चर्चा चल रही है कि गोविंद राम जो टिकट लिया हो तो बराबर टक्कर हो सके के लागे भी टक्कर है तो कोई मुकाबला है ही कौन मतलब कटाई ना कटाई बात थोड़ी बहुत हवाबाजी चल रही है कि गोविंद राम जी मेघवाल भी एमपी की टिकट ले रहा सके एमपी की टिकट लियो टिकट तो एक तो सामने आई आई एक तो सामने आई अगर आ जाओ तो बराबर टक्कर हो सके ना ये चुनाव में एक मोदी है अच्छा ये बार कितनी लाग रही है मतलब एक है बीजेपी नारो भी लगायो है कि 400 प्लस सीट को हाँ आराम है ये बार साउथ सीट काफी निकाली हर आदमी ज्यादा कर देश आई चवे मोदी आई लेकिन वो आका पाप को मन है लेकिन अभी यह है कि कोई कांग्रेस के प्रति है कि कोई मोदी के प्रति है लेकिन रुझान ज्यादा अगर मोदी है लेकिन कांग्रेस है कांग्रेस है ते कांग्रेस नहीं देखना चाहो मैं कांग्रेस मोदी जी का गुणगान कर दिया मोदी माँ हमारा नहीं है मोदी नहीं है नहीं चाहिए नहीं चाहिए अब केला के कौन आई है अब की बार कौन लाग रहे हैं मोदी जी आओगे हमारे मन में पूछो तो राहुल गांधी आसी राहुल गांधी जी 100% आएगा तो राहुल गांधी जाओगे 100% मोदी जी है तो क्या राहुल गांधी जाए अब कहना कहना कुछ भी कह सके बाकी मोदी जी यही अब की बार मोदी जी कितनी सीटा लिया होगा 370 ही आई तो पूरी क्यों 30 तो रखनी जरूरी है तो विपक्ष भी जरूरी है नहीं भैया देखो देश की ज्यादा करके भावना हर आदमी की आई है मोदी की सारी भावना चेंज क्या होगी मैं देखो पुराने कांग्रेस ही है मन प्रति कांग्रेस का अच्छा तो मतलब अब की बार थाने भी लाग रही है कि मतलब बीजेपी आ सके चांस है। मैं तो यहाँ के कांग्रेस यार मार तो एक वोट पड़ी तो मैं तो कांग्रेस नो कांग्रेस नाई बीजेपी रो एक आदमी वो 100 कांग्रेस वो आपरी सीट नहीं चाहिए कोई की करो वो पर्दा वोट पर्दे के वोट है कोई की कौन कह सके कोई मोदी कने कोई मां कने की कने कौन है हमारा एक चीज और बीजेपी अबार आप लिस्ट जारी करिए जिगर मायने टिकट दी अर्जुन राम जी मेघवाल मैं तो कांग्रेस कांग्रेस रे मायने कौन खड़ा हो सके टक्कर कौन देवेला टक्कर कोई मत दे मैं वोट कांग्रेस ने दिया तो कांग्रेस ने दिया बीजेपी और बीजेपी ने दे आप आप देखो आप आप रे अलग अलग पार्टी है कोई किन नहीं पहला को कह पहला थे खासर कह सकोगे थे विरोध थे पूरी कह सको 25 सीटा जी
कौन कह सके? मैं कह सका, एनडीए 400 प्लस आई, मैं कांग्रेस हूँ को 25 कांग्रेस आई, बात कोई जरूरी कौन नहीं, मैं आप ही कह सकू कांग्रेस की आदि ज्यादा जमान सब तुलसी और कहूँ मैं कांग्रेस की आदि ज्यादा जमान सब तुलसी जिको देश ने लूट राजे 70 साल में बढ़ गए करो आप ये समझो बप्पू की जमानत जब तोड़ी तय है 400 प्लस आएगी एनडीए और 25 सीट आई राजस्थान में मैंने राजस्थान में पूरी पूरी सीट बीजेपी पूरी सॉलिड सीट का आप घूम रहे हो आप बताओ नाम यहाँ पर कांग्रेस का बढ़िया है ये बताओ अच्छा, बार वो ज्यादा ही मतलब बीजेपी की सीटा पक्की होने रहे पीछे ज्यादा श्रेय के चीज राम मंदिर को नाम 370 और देश की उन्नति भी पर हो रही है राम मंदिर तो आस्था है हमारी बढ़िया काम है परंतु देश ऊपर प्रोग्रेस में ला रही है कोई आदमी है यहाँ तो कौन के राम मंदिर राम बढ़िया काम कर रही है परंतु फिर खातर कौन देश उन्नति कर रही है 370 हटाई है भी बोल हो रही है ना कि राम मंदिर पर हो रही है राम मंदिर ठीक है करियो अच्छा काम है परंतु इन्हें राजनीति में कौन लाना चाहूँ मोदी बढ़िया चीज है बढ़िया ऊपर चल रही है काम मिला रहे एक बात बताओ आप घूम रहे हो सब जगह आपको ये बताओ ये आपको काम अच्छा नहीं लगा आज सड़कें विश्व में सबसे ज्यादा भारत में बनी है 80 करोड़ 100 करोड़ जो भी लोग ये दे रहे हैं आज कोई भारत भूखा नहीं सो रहा है आज 20 साल पहले अपन मानते थे शेरिया मर रहे हैं इनको आदिवासियों को नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये नहीं हो रहा है आज सब कोई ये नहीं कह रहा है कि मोदी ने ये काम मड़ा किया तो आप ये बताओ सामने विकल्प ही नहीं है जी कह रहा है कि मतलब मोदी जी ने राज रामायण कितनी कुछ सड़कें बनी है काम तो यही है काम किया कौन है अपन पार्टी की बात है भी तो काम 10 साल में बीजेपी मैं कांग्रेस हूँ बीजेपी ने वोट थोड़ी दू वोट तो मारो एक ही मिली मैं मारो कैंडिडेट नहीं जीत मान रही कैंडिडेट कोई तो हुई ना जीत मान रहे हर मान रहे टक्कर वास्ते इतनी आज चीज तो थे बता सको कि मतलब अब की बार अर्जुन राम जी टक्कर देने वास्ते कांग्रेस की तरफ कौन आ सके राहुल गांधी जी आ जाओ हार सी मोदी ने नाम वोट मोदी ने मिल सी क्योंकि तो देश खातर काम कर हट बटो की आ रही हो अर्जुन राम ने मिले जना लाल बार तो 3 लाख आपकी 4 लाख जीत थी अर्जुन राम जी और बोलो कैमिटर हल्का गया तो ये अर्जुन राम जी 5 लाख वोट से जीत सकते हैं समझे बात को हाँ अच्छा बात करा मतलब अगर अर्जुन राम जी सामने कांग्रेस रो कोई मजबूत कैंडिडेट जिकर नाम ओपन हो तो लाग रही हो था एक नाम ओपन हो रही है बार गोविंद राम जी मेघवाल रो कहीं कुछ लाग रही हो गोविंद राम जी मेघवाल अगर अर्जुन राम जी सामने आ जाए तो के कुछ चुनाव रो आंकड़ो चेंज हो सके ना ना ये जीतेगा कम से कम 5 लाख वोट से गोविंद राम जी आगे तो दूसरा कैंडिडेट कोई आगे तो 3 लाख से जीत जाएंगे जीतेंगे तो सिर्फ ओनली फॉर अर्जुन राम जी हाँ मजबूत कैंडिडेट है मोदी जी के नाम का काम का है ठीक है दूसरी बात है अर्जुन राम जी ने भी किसी का पूरा तो किया नहीं है बढ़िया सांसद पटेली के सांसद है कुछ इनको होगा तो भलाई करेंगे और बाकी अब आज एक सपोज करो कांग्रेस का कोई जीता भी देगा तो जाके अपना क्या करेगा ये बताओ आज जनता अब यही चाहती है कि काम के साथ चलें यहाँ नहीं अखाड़ों में जाके आए आपने देखा है घरों में जाके आए आपने देखा है अब वो कैंडिडेट वाली बात नहीं है ये वोट सीधा ही मोदी जी को जाता है 15 साल कंटिन्यू न्याय मंत्री कानून मंत्री और सांसद रह चुके अर्जुन राम जी तो 15 साल रे मायने बारो कामकाज कार्यकारिणी करो करियो कार्यकाल तो ये है कि कोई अर्जुन राम करावन कोई दूसरो करो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करी राजस्थान सरकार रहो तो राजस्थान सरकार करी काम तो करनो ही पड़े काम नहीं करने जनता उतल पुतल जे 8 बोर में भाई साहब काम तो बढ़िया करियो करियो सांसद करे चाहे कोई करे भाई यहां है कि अर्जुन राम ने तो वोट मिली तो मोदी लार मिलियो सीट तो अर्जुन राम ही काढ़ी भी कने चाहे कोई बाकी मैं कांग्रेस या ना तो मैं तो यहाँ कहा भाई अर्जुन राम कौन काटे आप आपकी पार्टी सब गुणगान करे भाई जी पर हाँ लाख कहा रहे बीकानेर सीट कौन सी निकले सीट तो कहा बीजेपी ही निकले बीजेपी निकले हाँ तो देखो शुरू से समझदार पकड़ी है जो बीजेपी ने दिए वोट मोदी जी ने दिया मैं तो वोट अच्छा बीजेपी ने वोट देने ला रहे कोई 5 ही सा रीजन बताओ बढ़िया कि मैं ये रीजन ला रहे बीजेपी ने वोट दे दिया रीजन बताया ना बात 370 राम मंदिर रोडा कहीं कहीं बताओ बताओ लाग जाए जनता दिन छिपते सी हटे इतना इतना रीजन है मोदी जी इतना काम करे बीकानेर वाले सीट पर क्या लाग रही है लागण कहीं है जितना अर्जुन राम जी 4 लाख कांग्रेस को टिकट देने का एक कारण बता दो कांग्रेस को वोट देने का एक कारण ये है क्या वो गांधी परिवार से बता इसलिए एक कारण होना चाहिए कांग्रेस वोट देने के लिए बस क्या भ्रष्टाचार है इसलिए
मोदी जी के पास 500 काम ऐसे हैं जो मोदी जी ने किए और वो सारी इसका रिपोर्ट उनको मिलेंगे। मोदी का नाम काम ला रहे, काम ला रही वोट मिल सी सकला। कांग्रेस वो काम एक ही हो, घपला करना, घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना। राजस्थान में अशोक जी आजाद भी बहुत कुछ करवा नहीं, अशोक जी खुद पर्सन आधी बुढ़िया, एक आधी बुढ़िया मैंने पूरी लारा दलदल तो सगले है, बाकी सगला खराब है। क्या पेपर पेपर लीक की तो बड़ो कांड हो, फिर भी मैं तो ये सीना चौड़ा कर घूम लिया जान कोई वो जो भेजो नहीं वो चांद पर भेजो जो सीना चौड़ा कर फिर लोकसभा चुनाव आ गया। पहला तो विधायक अब लोकसभा आ गया के कुछ लाग रही हो अब की बार लोकसभा चुनाव कलेक्टर चौथी बार जीते रहो के करा चौथी बार जीत जाए आराम वोट किन देवला मैं वोट बीजेपी ने था अता दिन तो कांग्रेस ने था अब बीजेपी है कितो करे सड़क बनाई है किसी की सड़क बनाई है कांग्रेस तो अब देवता बड़े अबे पेपर लीक बोलने के अंदर रोने था कि मारा थोड़ा रोता फिर और चले गया। अरे भाजी मर्सी नामी गड़बड़ है, वोट कांग्रेस माते वहाँ जावे बीजेपी माते घपलो मर्सी नाम है जनता कहीं है जनता है घपलो है सरकार हाथ में जगह करी बापड़ा मोदी जी है मशीन में घपलो करवा दी मशीन में अगर घपलो करे मोदी जी तो कांग्रेस लड़ने भी नहीं चाहिए पैसे बर्बाद करे भाई घोटालो करता मागे एक गुद्दो लगाओ ना हगड़ा पर्सी ना क्यों गुद्दामारी कर रोज रो है बेटा अब छुट्टी कितनी कांग्रेस की तुम्हारे आई कांग्रेस की आई है देखो सत्ता में एक आई है तो पेपर लीक की वजह आई है प्रधानमंत्री कौन है 100 साल 70 साल लड़े कौन मोदी एक बच्चों है मेरे 3 साल को बोई के मोदी अरे मोदी मोदी कि आज किसी के घर जाके 10 साल के बच्चे बोलो अरे प्रधानमंत्री कौन है फट बता दई पहला ठाई गोलियों की नहीं गए प्रधानमंत्री क्या हुए रे देखो प्रधानमंत्री के एक बात ये छाप यानी भारत नहीं विश्व के अंदर छाप छोटी है इसके अंदर कोई दोहरा नहीं ठीक है पहली सीट आप मानो इधर से मानो जम्मू कश्मीर उधर से कन्याकुमारी तक पहली और आखिरी सीट तक ही मोदी मोदी चल रहा है तो लोगार बीच में जार लोगार जी की राय ही भाभी जानी सागे सागे आप सबरी काई कुछ राय बार आए थे माने कमेंट में जरूर जरूर बताओ ला राम राम जी मैं माधव थे देख रहे जल को बीकानेर अगर जल को ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करे साइड में बेल आइकन बटन दे दो बिना प्रेस कर लिया सागे सागे आपड़ो फेसबुक पर पेज है जल को बीकानेर नाम छू तो बिने भी फॉलो कर लिया मिला एक और नए वीडियो सागे लगातार ही चुनावी यात्रा सागे राम 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 राम।